नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस एसपी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। वैसे आप सभी चंगा वाला मौज में बिंदास रहा करो। एक छोटी सी मतलब कमी रह गई थी कि मैंने आपको बताया था कि टेंथ मैथ जो कि मंगलवार से स्टार्ट होनी थी और नहीं हो पाई, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी इसमें, कुछ टेक्निकल एरर और वो एडिटिंग वगैरह क्लियर से नहीं हो पाई थी लाइव, इसलिए अब आपकी टेंथ मैथ की क्लास नेक्स्ट मंगलवार से स्टार्ट हो जाएंगी और वो भी प्रॉपरली स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या चलते हैं, हम अल्फाबेट वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा रखा है, सीरीज पढ़ा दिया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये दोनों टॉपिक मैंने आपको करवा दिए। अब आपका क्या चलेगा, अल्फाबेट वाला टॉपिक चलेगा। मैंने आपसे पूछा भी था कि कहीं कोई दिक्कत हो या फिर कोई सा टॉपिक स्टार्ट करना हो तो बता देना, आपका किसी प्रकार का कोई कमेंट रिप्लाई नहीं आता है, दबाकर कमेंट शेयर करो यारो, ताकि हमें भी तो पता चले। ठीक है, तो अल्फाबेट अपन स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट में क्या होती है, अल्फाबेट ए से जेड तक, यानी कि ए बी सी डी ई F, G, H, I, J, K, L, M, फिर N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और क्या Z। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, दाएं से और बाएं से, ठीक है, मेन रोल इसमें दाएं बाएं का है, एक बार वो समझ में आ जाएगा ना तो पूरा टॉपिक क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं कहां से, ये क्या हमारा बायां बायां हाथ है और ये क्या है हमारा दायां हाथ है, यानी कि ए से जेड। ठीक है, ये कौन से पर आता है, बाएं साइड, बाईं तरफ ए होता है हमारा और दाईं तरफ ये क्या है, दाईं तरफ जेड होता है। ठीक है दोस्तों, इसको बाईं और दाईं में कंफ्यूज हो तो बायां यानी कि और दायां, लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट से स्टार्ट होगा और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपसे, जैसे वर्णमाला में बाईं ओर से दसवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होंगे। और तो इसमें ए से लेकर और एन तक ये क्या होता है, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश ए से एन तक और एन से जेड तक ये क्या है, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ठीक है, प्रथम अर्धांश में ए से एन तक, द्वितीय अर्धांश में एन से जेड तक। वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26, 26 में 13 तो टोटल 13 वर्ण इसमें होंगे और द्वितीय अर्धांश में भी 13 वर्ण ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन की तरफ देख लो। वैसे अगर आपसे पूछे कि बाईं ओर से कौन सा होगा, तो किताब हमारा जो बाईं ओर है ना, वो या आपका किताब या रजिस्टर, किताब बुक किसी का मान लो, वो उसी का बायां ओर होगा। जो हमारा दायां ओर है, ठीक है, वो किताब में भी
दाएं और ये दाएं साइड रहेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पुटअप होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आगे चल, तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट सीरीज है, ये हमारा बायां छोर है, ये दायां छोर है, ये प्रथम अर्धांश ए से एम तक, द्वितीय अर्धांश जेड एन से जेड तक। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब समान 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 चिन्ह होते हैं तो उनमें अंतर होता है, यानी कि दो समान प्रकार के लोगों में आपस में टक्कर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर, तो बाईं ओर से यानी कि इस साइड से अपने 15वां अक्षर, आपको याद होगा इतना तो याद रखा करो, 15वां क्या होता है अपना ओ, और फिर क्या करें इसके बाईं ओर, अब यहां से बाईं ओर चलेंगे तो देखो ये क्या हमारा ओ है। ठीक है, ओ से इस तरफ क्या है बायां, इस तरफ क्या है दायां, ये क्या है बायां और ये क्या है इस साइड दायां। ठीक है, तो इस साइड चलेंगे यानी कि पांच की ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा, यानी ओ से पांचवा अक्षर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा क्या होगा जे, जे आएगा अपना। ठीक है, अब ये तो ऐसे तो लॉन्ग मेथड हो गया, अल्फाबेट लिखो, 15वें अक्षर पर जाओ, फिर उसमें से 5 कम करो। ठीक है, तो इसका सीधा सा तरीका है क्या है, जब अपने से समान समान दे रखा हो ना, बायां बायां दे रखा हो, दायां दायां दे रखा हो, तो अंतर कर देंगे, इसमें क्या है बाईं ओर और इसमें बाईं ओर के बाईं ओर, बाईं ओर से बाईं ओर पूछा है, यानी कि 15 में से 5 गया कितने 10, और 10 पर मैंने आपको अल्फाबेट में बता रखा है, सीधा याद आ जाना चाहिए 10 पर जे, यानी कि आपको बाईं ओर से बायां, बाईं ओर से बायां पूछे तो क्या होगा अंतर। ठीक है, दाईं ओर से दायां, यानी समान है दायां दायां, तो यहाँ पर भी क्या होगा अंतर होगा, फिर बाईं ओर से दायां, यहाँ पर क्या होगा प्लस, और फिर दाईं ओर से बायां, इसमें पूछे तो यहाँ पर भी प्लस होगा। ठीक है, सीधा देख लो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर, यानी दोनों जगह बाईं दे रखा है तो सीधा है बायां, और बायां दे रखा है तो घटेगा, 15 में से 5 गए 10, 10 पर क्या आता है जे, मैंने आपको बता रखा है, स्पष्ट बता रखा है वर्णमाला सीरीज टॉपिक में भी, आपका अल्फाबेट अच्छे से करवा दी, और कुछ मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में समझाया था, अगर वो क्लासेज नहीं देखी है तो अल्फाबेट को याद करने के लिए उन क्लासों को एक बार देख लें, और लाइक शेयर दबा कर कर दें। अगर इसी के इस्तेमाल आपसे ये पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15 अक्षर के, यानी कि यहाँ पर क्या दे दे दाईं ओर दे दे, तो क्या होगा बाईं ओर से दायां, यानी कि प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, और 20 पर क्या होता है T20, सीधा याद करो, यानी कि सेम सेम दे दे तो घट जाएगा, सीधा सा अर्थ है सेम सेम, यानी कि एक समान लोगों में हमेशा टक्कर होती है, टक्कर होती है तो किसी न किसी का लॉस होता है। ठीक है, और अलग अलग हो तो साझा करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर प्लस होगा, इसको उतार लो अच्छे से, नोट्स बना लो, और क्वेश्चनों को अच्छे से उतारते चलो, नोट्स बनाते चलो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उतारो इसको एक बार फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? दिख रहा है? तो आपको क्या दे रखा है, बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि असमान है, असमान है तो क्या होगा, योग होगा। योग होगा तो 18 + 8 कितना होगा, 26। 26 पर क्या आता है, जय। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे बाईं ओर से, यहाँ पर बाया ही पूछ ले मान लो, 18 में से 8 गए, कितने बच गए, 10। 10 पर जी क्या आएगा, जी। उतारो फटाफट, उतार लो फटाफट, कर कर भी दिखाओ क्वेश्चन। मान लो आपको क्या दे दे यहाँ पर, 15वें अक्षर, ठीक है, 15वें अक्षर के दाईं ओर कुछ भी मान लो, जैसे 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर ये दे दे आपको, तो ये कर कर बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए सभी का, सभी कमेंट कर कर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो, इसको उतार लिया, नोट्स बनाते चलो, वीडियो को रोक कर बनाते चलो। अगर आपको क्या दे दे मान लो, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए सभी का, क्या दे दे, 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन उतारो फटाफट, करना फटाफट, आंसर भी चाहिए मुझे इसका, कमेंट बॉक्स में सभी आंसर देंगे इसका, देखते हैं कितना लोगों का सही होता है, कितने लोग आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल इजी है, मैंने बता रखा है, सेम सेम हो तो घटेगा और असमान हो तो वो, असमान हो तो जुड़ेगा और सेम सेम हो तो घटेगा, कर कर बताना फटाफट कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, फटाफट करो। और अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, क्या कह रहा है वो अपने, दाईं ओर से और दाईं ओर पूछा है, ठीक है, तो दाईं ओर कौन सी हो, ये हो गई इस साइड से 22वां अक्षर, ठीक है, 22वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर, सीधा लिख रहा है, सेम सेम है, तो 22 - 8, 22 में से 8 गया, कितना बचा, 14, ठीक है। इधर से अब काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट द्वितीय अर्धांश कितना हो गया, 13, 13 के बाद 14, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करते हो तो डायरेक्ट 27 में से घटा लो किसको, 14 को, क्या आएगा, 13, और 13 पर क्या आता है, एम, समझे क्या होगा। एक तो ये हो गया मेथड सोल्व करने का, और सेकंड मेथड ये हो गया, मान लो ये प्रथम अर्धांश हो गया, द्वितीय अर्धांश हो गया, ठीक है। तो किस प्रकार से 22 में से 8 गए 14, और इधर से फिर 14 काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इस साइड से याद नहीं है कि भाई एक पर ये, दो पर ये, तो इधर से 14 काउंट करोगे, आप अल्फाबेट लिखोगे, पेपर में इतना टाइम होता नहीं है, या आप अल्फाबेट लिखो फिर काउंट करो, तो 14 पर एम, और वैसे निकालोगे तो ये 14 आ गया, इसको क्या करोगे, 27 में से माइनस करोगे ना, तो क्या आएगा, जो आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे करोगे, अल्फाबेट लिखोगे फिर वहां पर काउंट करोगे, तो इतना टाइम तो देता नहीं है एग्जामिनर, ठीक है, तो आप डायरेक्ट 27 में से घटाकर जो आएगा वो ये क्या होगा, आपकी संख्या होगी। उतारो फटाफट और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, इसको उतारो फटाफट। देखो अब क्या हमारा नेक्स्ट टाइप चलता है, तो क्या है कि अगर प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए या फिर
द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो किस प्रकार से होगा। अब देखो, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि एक की जगह क्या हो जाएगा आपका एम और एम की जगह आपका ए, किसको उल्टा लिख दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा। अगर आपके क्वेश्चन में फिर क्या हो, एक से और 13 तक की अंक आए तो आप क्या कर देना, 14 में से घटा देना, और अगर 14 से 26 आए तो आपका सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आप द्वितीय अर्धांश को तो चेंज कर नहीं रहे, सिर्फ प्रथम अर्धांश चेंज कर रहे हो, तो उसको याद वैसे तो आप लिखोगे, काउंट करोगे, उससे अच्छा डायरेक्ट 14 में से घटा देना, ठीक है। और अगर द्वितीय अर्धांश को चेंज कर किया जाए तो किस में से घटेगा, 40 में से घटा देना। अगर द्वितीय अर्धांश को चेंज किया जाए तो 40 में से घटेगा, ठीक है, प्राप्त मान। अगर प्रथम अर्धांश को चेंज किया जाए तो 14 में से घटेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो इस प्रकार, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि इसको विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, एक की जगह एम क्या लिख रहा है, एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं 15वां अक्षर क्या होगा, यानी कि यहाँ से 18वें अक्षर 18 पर क्या आर के बाईं 18वें अक्षर के बाईं 15वां अक्षर, इधर से बाईं, यानी कि दोनों साइड क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, बाईं बाईं, तो क्या होगा 18 में से 15 घट जाएगा, कितना आएगा 3। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर 13 से प्रथम अर्धांश को विपरीत करने पर अगर 1 से और 13 के मध्य में प्राप्त हो हमें, तो क्या करना है, हमें 14 में से घटा देंगे, इसको प्राप्त मान को, 14 में से 3 गया तो क्या आएगा 11, 11 पर क्या आता हमारा के, यानी कि के हो जाएगा मान, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से करते हो ठीक है, वरना आप अगर लिख कर करने लगोगे एग्जाम में तो आप देख लो कितना टाइम चाहिए, अल्फाबेट उल्टा लिखोगे फिर उसमें ढूंढोगे, ठीक है, तो इससे अच्छा होगा दोनों साइड क्या दे रखा है, सेम दे रखा है तो घटेगा, मैंने आपको बता रखा है, पहले बता दिया, और अगर घटेगा और अगर ये मान कितने आ जाए 13 से कम आ जाए तो इसको क्या करेंगे 14 में से घटा देंगे, 14 में से 3 गया क्या आएगा हमारा 11, 11 पर क्या होता हमारा के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, देखो ये क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो उनकी इसको क्या लिख रहा है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, हमसे ये क्या है पूछा है, ठीक है, तो क्या है बाईं ओर से दाएं, इसका मतलब क्या होगा, जुड़ेगा 10 प्लस 11 क्या हो गया 21, ठीक है। 21 पर आप देखोगे 1 से 13 ये हो गया, काउंट करो तो 13 के बाद 14 पर क्या आएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 21 पर क्या आ रहा है हमारा एस, ठीक है। और वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और अगर हमारा मान 14 से 26 के बीच में आए तो क्या करना होगा, 40 प्राप्त मान को, यानी कि इस मान को 40 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 10 बाईं ओर से 10 और दाईं ओर से 11 तो योग होगा 21 आएगा। अब 21 को क्या करेंगे,
ये 14 से 26 के बीच में 21 और 40 में से 21 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 19 आएगा। और 19 पर क्या है? आता है एस। वर्णमाला याद कर लो, बहुत टॉपिकों में आएगी ये अल्फाबेट, आपके याद होनी चाहिए, एक एक अक्षर जाना चाहिए था अब तक। तो कंटिन्यू क्लासे चल रही है, कंटिन्यू वर्णमाला का ही टॉपिक चल रहा है, सीरीज में भी आए थे, कोडिंग डिकोडिंग में वर्णमाला का यूज हुआ था, इसमें भी हो रहा है। तो करो फटाफट, और मुझे उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में सभी से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे कुछ जरूरी काम हो गया था जिसकी वजह से आप आज आपके लिए इतना ही बन पाया, ज़्यादा देर आपकी क्लास ले नहीं ले पा रहा हूँ। तो कल फिर मिलते हैं इसी टाइम 9 बजे, और 9 बजे मिलने के और क्या करेंगे, आपकी अल्फाबेट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आज आपको क्या क्या बताया वो एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ, अगर सेम हो यानी कि बायां बायां हो या फिर दायां दायां हो तो क्या होगा, घटेगा, और अगर विपरीत हो बायां दायां या फिर दायां बायां हो तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आज जो मैंने पढ़ाया उसका मेन मेन थ्योरी एक बार देख लो, अगर ऐसा हो तो ये जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, और अगर प्रथम और दांश को विपरीत करें और अगर आपका आंसर 1 से 13 में आपका मान प्राप्त हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, 14 में से प्राप्त मान को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर द्वितीय दांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपका मान 14 से 26 के बीच में आए तो प्राप्त मान को 40 में से घटा देंगे, प्राप्त मान को क्या करेंगे, 40 में से घटा देंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर दाईं ओर से पूछे, दाईं ओर से अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट करे कि भाई दाईं ओर से 10वें के बाईं या फिर के दाईं पूछे तो इसको में प्राप्त मान को क्या कर देंगे, 27 में से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आज मैंने आपको ये पढ़ाया, एक बार फिर से देख लिया, अच्छे से याद कर लो, कोई सी कॉपी इसमें अल्फाबेट टॉपिक में आपकी यही चलेगा। एक फिर मिलते हैं आप अल्फाबेट में कल सुबह 9 बजे इसी टाइम इसी जोश और जोश के साथ, आप भी जोश में आ जाओ, दबा कर एक बार लाइक शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।